हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है बुधवार की रात का और अभी सब लोग सो चुके हैं और मैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई लगा रही हूँ अपने मेहंदी। दिन में काम इतने हो जाते हैं कि पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला दिन में लगाने का, तो मैंने सोचा कि चलो रात में लगा लेते हैं। एक हाथ पे तो लगा ही लेती हूँ, एक हाथ पे मैं अगली सुबह में लगाऊंगी अगर टाइम मिल गया तो। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अभी मेहंदी और फिर मैं लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो वैसे तो मुझे अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती, लेकिन काम चलाओ लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक दुल्हन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी मैंने कई बार हटा हटा के लगाई है, तब भी ऐसी जाके लगी है। कोई बात नहीं, इसी से काम चल जाएगा। तो ये देखिए, बताना आप कैसी लगी मेरी मेहंदी। इतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी बताना एक बार ज़रूर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपकी करवा चौथी बहुत अच्छी जाएगी। तो मैंने ये मेहंदी लगाई थी रात में, और अभी अभी तो मैंने घर वाली साड़ी पहन ली है। रात को शाम को दूसरी पहनूंगी, क्योंकि अभी ना अभी काम वगैरह भी करना है, शाम का खाना ही बनाना है। तो अभी मैं दोपहर वाली पूजा करने जा रही हूँ, जो कथा पढ़ी जाती है ना वो मैं अभी कर लूँगी, और सूरज को जल दियाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी मुझे चूड़ी पहननी और बाकी हैं, अभी पहनूंगी थोड़ी देर में। और अभी यहाँ पर वर्षा मुझे लगा रही है एक हाथ पर मेहंदी, क्योंकि रात में मैंने एक पे ही लगाई थी, एक मेरा रह गया था। तो वर्षा कहने लगी कि मम्मी लाओ एक, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बिना मेहंदी के, तो ये भी लगा लो आप थोड़ी देर के लिए। तो ये सारी मेहंदी मेरे इस वाले हाथ पे ना, वर्षा नहीं लगाई है एक हाथ पे, और अभी उसको लगानी आती भी नहीं, लेकिन कोशिश कर रही है लगाने की। फिर भी काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई है उसने। और यहाँ पे हो गया अभी शाम का टाइम, खाना बनाने का टाइम हो चुका था। तो मैंने इस गोभी को ना गर्म पानी में डाल दिया है, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा पानी में, ये तो मैं इसको निकाल लूँगी गोभी को। हमें ज़्यादा पकानी नहीं है, हल्का सा करना है इसको। और इधर कर रही हूँ पनीर बनाने की तैयारी। तो तेल में मैंने टमाटर डाल दिए मोटे मोटे कट करके, और दो तीन मिर्च डाल दिए हैं, ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो मैं इसका पेस्ट बना लूँगी फिर बाद में। और आज के खाने में हम लहसुन प्याज तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाया जाता है इस खाने का। तो मैंने पनीर के लिए सिर्फ टमाटर ही लिए हैं 4-5। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी तो छोंक दी है, और अभी मैं दूसरी तरफ कर लेती हूँ पनीर बनाने की तैयारी। यहाँ पे रख दिया है मैंने भगोना, रख दिया है पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। कढ़ाई में तो दूसरी सब्ज़ी बन रही है, और दूसरी जो बड़ी वाली कढ़ाई है वो मैंने नहीं रखी, क्योंकि कोई बात नहीं इसमें भी काम चल जाएगा। इसमें भी मैं कभी कभी सब्ज़ी बना लेती हूँ भगोने में भी। तो मैंने तेल में जीरा डाल दिया है, जो टमाटर और मिर्च का पेस्ट बना कर रखा था वो भी डाल दिया है। इसको मैं थोड़ी देर भुनने दूंगी, उसके बाद मैं सूखे मसाले ऐड करूंगी इसमें। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, और लाल मिर्च डालूंगी थोड़ी सी, देगी मिर्च डालूंगी, और कस्तूरी मेथी डालूंगी, हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी। यही नॉर्मल से मसाले जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, और गरम मसाला वगैरह मैं कुछ नहीं डालती सब्ज़ी में कभी भी, हमारे घर में नहीं खाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैं कस्तूरी मेथी डाल दे रही हूँ थोड़ी सी। तो अभी यहाँ पे मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है, और इसमें मैं थोड़ी सी ना मलाई और ऐड करूँगी। अभी थोड़ी सी मलाई चम्मच से घुमा के और इसमें मैं डाल दूँगी, तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए मलाई मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इसको डालने के बाद थोड़ी देर लगातार चलाना पड़ता है, नहीं तो ये ना फट जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसको थोड़ी देर चलाती रहूँगी। तो मसाला हमारे यहाँ पे अच्छे से हो चुका है, और ये मटर मैंने साफ़ करके धो के रख ली थी, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इनको डाल के अभी 5 मिनट और पकाऊंगी इनको, क्योंकि ये थोड़ी सी और गल जाएं, अच्छी हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे पनीर भी मेरा कट हो चुका है, और दोनों सब्जियों पे भी पूरा पूरा ध्यान है कि कोई जल ना जाए,
तो जो ग्रेवी बनाई थी पनीर वाली, मैंने उसमें पानी डाल दिया है थोड़ा सा, इतने उसमें उबाल आएगा उसके बाद ही मैं पनीर डालूंगी। तो यहाँ पे ले लिए मैंने दही, पहले इस दही को मैं चलाऊंगी क्योंकि इसका बनाना है मुझे रायता। पहले मैं इसमें मसाले डालूंगी जो भी डालना है रायते मुझे मसाला, और मसाला डाल के मैं इसमें थोड़ा सा चला लूँगी इसको रई से, मेरे पास रई है तो मैं रई से ही चलाती हूँ। सब्जी हमारी दोनों बनकर तैयार हो चुकी है, आलू गोभी की सब्जी भी और पनीर की सब्जी भी, और साथ में मैंने रायता भी बना लिया है। तो ये जो सब्जी मैंने बनाई है साथ के साथ में डोंगे में डाल के रख दूँगी ताकि मैं बर्तन सारे अभी साफ़ कर दूँ, क्योंकि रात को फिर अगर मैं इकट्ठे करती हूँ तो सारे एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर खाना खाने के बाद तो फिर मन भी नहीं करता कि हाँ बर्तन साफ़ करो, थोड़े बर्तन रहेंगे तो साफ़ कर भी दूँगी। तो ये सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी है, और मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रात में झूठे बर्तन छोड़ूं, क्योंकि मैं रोज़ डेली किचन भी साफ़ करती हूं और बर्तनों को भी साफ़ करती हूं। ये देखिए कितने सारे ढेर लग गए हैं ना बर्तनों का, तो अभी मुझे सारे साफ़ करने हैं। ये जो मैंने पनीर बनाया, पनीर भी मैं एक डोंगे में डाल के रख दूँगी, और गोभी मैंने डोंगे में डाल दी है। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने आटा लगाया और एक तरफ चावल बनने के लिए रख दिए हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ पूरी जल्दी से, तो मैं पूरी बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पूरी मेरी बन गई है और खाना पूरा बन के तैयार हो चुका है, और ये ना थाली में नहीं आ रही थी तो मैंने उसी परात में डाल दी जिसमें मैंने आटा लगाया था। किचन का काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ बाहर, और अभी होने लगी हूँ मैं तैयार। मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, तो इसका ब्लाउज़ तो मेरे आया नहीं, टाइट हो गया था, तो मैंने इसके साथ ये वाला गोल्डन ब्लाउज़ आता है ना रेडीमेड वाला, वो पहन लिया है। तो अभी थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर लेते हैं, और मैं भी लगभग तैयार हो ही चुकी हूँ, और इससे आगे का जो बचा हुआ वीडियो है वो आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि सारा इसी में ऐड कर दूँगी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये छोटा ही रखा है। तो आप लोग बताना जरूर ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।